हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुधीर लोधी और आपका स्वागत है मेरे अपने चैनल द एस्पिरेंट में। तो दोस्तों, आज मैं थोड़ा घर से बाहर आया हूँ और आप लोगों को अपनी जर्नी के बारे में बताना चाहता हूँ। अभी तक की जर्नी के बारे में, मैंने 2017 में पूरी की थी। उसके बाद मैंने ITI की, मेरी ITI 2019 में कम्प्लीट हुई। 2019 के बाद मैं रेलवे की तैयारी में लग गया। उस टाइम रेलवे NTPC और ग्रुप डी दोनों की वैकेंसी एक साथ निकली थी। दोनों के फॉर्म मैंने फिल किया और दोनों की तैयारी में लग गया। मेनली मैं NTPC की तैयारी कर रहा था, लेकिन ग्रुप डी मैंने ऐसा बैकअप डाल दिया था। उस टाइम तक मुझे SSC CGL या SSC के कोई भी एग्ज़ाम के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं था। मैं सोचता था कि SSC के एग्ज़ाम बहुत टफ होते हैं। उसके बाद मैंने क्या किया, तैयारी में लग गया, लाइब्रेरी ज्वाइन कर लिया। और लाइब्रेरी ज्वाइन करने के बाद मैं NTPC की तैयारी में लग गया। तैयारी अब बहुत फ्लुएंट अच्छी तरीके से चल रही थी, लेकिन बाद में धीरे 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 टाइम निकलने लगा और पता चला एग्ज़ाम पोस्टपोन हो रहा है। एकदम से 2020 में पता चला कि कोरोना वायरस आ चुका है। कोरोना वायरस के टाइम सोचे थे कि पढ़ाई करेंगे, लेकिन कोरोना के टाइम बिल्कुल पढ़ाई नहीं हो पाई। वो मेरे लाइफ का सबसे, कह सकते हैं कि सबकी लाइफ का सबसे रश टाइम आता है। मेरी लाइफ का सबसे रश टाइम मेरा टाइम वही था, कोरोना वाला टाइम। ना मैंने उसमें पढ़ाई किया, ना मैंने ऐसा कोई क्रिएटिव काम किया जो मेरे को इन फ्यूचर कोई हेल्प करे मेरे करियर बनाने में। करियर ग्रोथ में मैं पूरा शून्य हो चुका था। थोड़ी रहती है फाइनेंशियल क्राइसिस, रहते हैं घर के भी, सबको देख के चलने के कारण घर ही में सर निपट के रह गए थे। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे कोरोना ओपन होने लगा, तो ITI के बाद अप्रेंटिसशिप का फॉर्म भरा था मैंने। मेरे घर ही के पास एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, एक नहीं चार ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है। बेसिकली मैं जबलपुर का रहने वाला हूँ, जबलपुर मध्य प्रदेश का। यहाँ पे चार ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, तो यहाँ से मेरा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में एक अप्रेंटिस में नाम आ गया, तो मैंने अप्रेंटिस ज्वाइन कर लिया। अप्रेंटिस ज्वाइन करने के बाद तो ऐसा लगने लगा कि अब यहीं पे परमानेंट होने वाले हैं, तो पढ़ाई लिखाई पूरी तरीके से धुली की धुली रह गई, समझ के चलो कुछ पढ़ाई नहीं हुई। एक मन में एक पॉजिटिव थॉट था कि यहाँ से अप्रेंटिसशिप कम्प्लीट होने के बाद शायद वैकेंसीज आए और कुछ प्रॉफिट मिले, कुछ बेनिफिट मिले, यहाँ पे सिलेक्शन हो जाए। बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और अप्रेंटिसशिप एंड होते होते पता चला कि फैक्ट्रियों का प्राइवेटाइजेशन हो गया। उसके बाद क्या था, जैसे ही अप्रेंटिसशिप कंप्लीट हुई, कुछ दिन MP कांस्टेबल का एग्ज़ाम दिया था मैंने, तो MP कांस्टेबल का एग्ज़ाम मेरा क्वालिफाई हो गया था उसका फिज़िकल के लिए। फिर जैसे ही कंप्लीट हुआ मेरा अप्रेंटिसशिप, मैं फिज़िकल जाने लगा। सुबह एक सर को ज्वाइन किया था, एक कोच को, उनको ज्वाइन किया था। तो वो सुबह कम से कम 4 से 5 घंटा ग्राउंड में हम लोग को दौड़ाते थे, हम लोग की एक्सरसाइज कराते थे, तो इतना थक जाते थे कि दिन भर पढ़ाई नहीं होती थी। धीरे धीरे ऐसे टाइम चलने लगा। 2022 का टाइम था ये। धीरे धीरे टाइम ऐसे बीतने लगा, मेरा फिज़िकल हुआ। फिज़िकल के टाइम पता चला कि गर्मी के टाइम फिज़िकल हो रहा था, तो यहाँ पर कुछ लोगों की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी, उस कारण से फिज़िकल भी पोस्टपोन हो गया। पोस्टपोन होने के चक्कर में मैं प्रैक्टिस करता था, बट अचानक से मेरे घुटनों में इंजरी आ गई। डॉक्टर ने मना कर दिया साफ साफ कि कुछ दिन दौड़ना नहीं, वहाँ से दौड़ना बंद किए, जो प्रैक्टिस गई। फिर उसके बाद प्रैक्टिस में जाना ही बंद कर दिया मॉर्निंग में। एक डर सा बैठ गया था कि दौड़ने के बाद कुछ भी हो सकता है, क्योंकि घुटने में बहुत ज़्यादा दर्द आ गया था। उसके बाद मेरा फिज़िकल का जब टाइम आया, जब पोस्टमार्टम 1 महीने के लिए हुआ था, 1 महीने के बाद जब मेरा फिज़िकल का डेट आया, तो मैं फिज़िकल पास नहीं कर पाया कॉन्स्टेबल का। फिर मैंने सोचा लाइब्रेरी ज्वाइन कर लेता हूँ फिर से। फिर मैंने एक लाइब्रेरी ज्वाइन किया और वहाँ से फिर से रेलवे की तैयारी में लग गया। NTPC का एग्ज़ाम इस बीच में हो चुका था, वो तो उतना खास नहीं गया, क्योंकि मेरी तैयारी आपको बता चुका हूँ कि प्रिपरेशन उतनी खास ही नहीं थी, तो मेरी तैयारी उतनी अच्छी नहीं थी। लेकिन ग्रुप डी का एग्ज़ाम बचा हुआ था, ग्रुप डी को मैं अच्छा देने की कोशिश करने के लिए तैयारी कर रहा था। बट अनफॉर्चुनेटली मेरा ग्रुप डी भी इतना खास नहीं गया। मेरे मार्क्स आपको मेरे शॉर्ट सेक्शन में पड़े होंगे, उसमें आप देख सकते हैं कितने थे, कितने नॉर्मलाइज हुए। हाँ, मैंने फिज़िकल के लिए क्वालिफाई किया था, बट फिज़िकल मेरा ग्रुप डी का निकाल भी लिया था, बट फाइनल मेरिट में मेरा नाम नहीं आ पाया। बीच में मैंने इसके SSC MTS का एग्ज़ाम दिया था। SSC MTS का एग्ज़ाम मैंने बिना प्रिपरेशन के दिया था। उसमें मेरे 78 पॉइंट कुछ मार्क्स थे, अप्रॉक्स 79 मार्क्स थे। नॉर्मलाइज मार्क्स 84.5, वही 85 समथिंग हो गए थे। मैं बहुत खुश था, मैंने बोला यार मैं SSC का एग्ज़ाम इतना सोचता हूँ कि टफ है, बट मैंने बिना तैयारी के इतना अच्छा कर लिया, लेकिन शायद मैं तैयारी करूँ तो मैं और अच्छा भी कर सकता हूँ। फिर वहाँ से मेरे को एक पॉजिटिव थॉट आया दिमाग में, उसके बाद मैंने SSC की तैयारी करना चालू किया। उसी टाइम CGL 2022 का भी फॉर्म वैकेंसी आई थी, उस टाइम वैकेंसी बहुत ज़्यादा थी, तो मैंने फॉर्म डाल दिया। फिर धीरे धीरे तैयारी करने लगा, बट तैयारी में उतना खासा मन नहीं लग रहा था, क्योंकि बीच में ये फिज़िकल था, रेलवे ग्रुप डी का, ये सब पैरेलल चल रहा थी ये सब चीज़ें। एक तो एग्ज़ाम उतना अच्छा नहीं गया था, तो लग नहीं रहा था कि ग्रुप डी में फिज़िकल में भी नाम आएगा, लेकिन एकदम से फिज़िकल में नाम आ गया। तो फिर फिज़िकल की तैयारी करने लगे, वहाँ से भी एक माइंड डाइवर्ट हो गया। तो अच्छी खासी तैयारी चल रही थी CGL की, वहाँ से भी एक बैरियर आया, तो वहाँ से तैयारी उतनी खासी चलना बंद हो गई।
फिर धीरे धीरे फिजिकल कंप्लीट हुआ, फिजिकल के बाद पता चल गया था कि अब मेरिट रेट बहुत हाई जाने वाली है, दूसरे जोन की बहुत हाई जा रही थी। फिर इस SSC सीजीएल की तैयारी में लगे, तो SSC सीजीएल तो ठीक ठाक गया था मेरा, प्री क्वालिफाई हुआ था, 128-130 मार्क्स थे अप्रॉक्स। उसके बाद सीजीएल प्री क्वालिफाई होने के बाद पता चला कि मेंस होने वाला है, मेंस के लिए 2-3 महीने का टाइम मिला है, लेकिन बीच में यही हुआ कि तैयारी में मन ही नहीं लग रहा था, सारे एग्ज़ाम के रिजल्ट आए जा रहे थे और किसी में भी नाम नहीं आ रहा था, तो एक डिमोटिवेशन आ गया था। इसी चक्कर में मेरा मेंस की तैयारी बिल्कुल भी नहीं कर पाया मैंने, मेंस की तैयारी। और फिर मैंने मेंस अपना दिया, मेंस देने के बाद मार्च में या फरवरी में मेंस था, उसमें मैंने मेंस दिया और मेंस में उतना खासा अच्छा नहीं कर पाया। मेरा स्कोर कार्ड रैंक IQ का स्कोर कार्ड उसमें डला है, आप देख सकते हैं कि कितना स्कोर रहा मेरा, क्या क्या कैसा क्या था। फिर उसके बाद एक दिन मैं सोच रहा था कि यार कुछ लाइफ में करना है तो तैयारी तो करना ही पड़ेगा, बिना तैयारी के कुछ भी नहीं होगा। अब धीरे धीरे मैं तैयारी करना स्टार्ट किया हूँ, और ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ही ज़्यादा तैयारी करने वाला स्टूडेंट हूँ, ऐसा नहीं है, मैं एवरेज स्टूडेंट हूँ और मैं लगा हुआ हूँ धीरे धीरे तैयारी करने पे, अपने रूटीन पे लाया हुआ हूँ। अगर आप बोलोगे तो मैं अपना रूटीन शेयर कर सकता हूँ आप लोगों के साथ, कुछ दिन में मैं अपना रूटीन भी शेयर कर दूँगा आप लोगों के साथ, तो आपको पता चल जाएगा कि मैं किस टाइप से पढ़ाई कर रहा हूँ, किस टाइप से पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ। और ये वीडियो बनाने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, बट थोड़ा पढ़ाई से, दोस्तों से दूर होकर पढ़ाई में बिल्कुल फोकस करने के साथ साथ दिमाग में फ्रस्ट्रेशन आने लगता है, तो इस माइंड को रिफ़्रेश करने के लिए मैं सोचा कि यूट्यूब चैनल बना के अपने बारे में कुछ बताऊंगा। बस मेरा मकसद इतना ही है यूट्यूब चैनल बनाने का, तो बस यहां तक की मेरी जर्नी थी। अब आगे की जो भी जर्नी रहेगी तो वो सब तो आप लोगों को पता ही चलती रहेगी मेरे यूट्यूब चैनल के थ्रू, तो देखते हैं इस बार क्या होता है। CCL की वैकेंसी वैसे कम आई है, लेकिन बढ़ने के चांसेस हैं, सभी लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि अच्छी खासी बढ़ेगी, और शायद मेरे ख्याल से भी बढ़े, इसलिए तैयारी कर रहे हैं। अब देखो क्या होता है। नेक्स्ट मंथ MTS का भी एग्ज़ाम है, SSC MTS का एग्ज़ाम है, उसकी भी तैयारी चल रही है। इस बार वैसे ही पैटर्न चेंज हुआ है तो थोड़ा दिक्कतें हैं, वैसे भी GK पोर्शन सबका वीक रहता है, मेरा भी उसी तरह से GK पोर्शन वीक है। तैयारी कर रहे हैं, इंग्लिश और GK में भी फोकस कर रहे हैं, वैसे तो मैथ्स में उतना फोकस नहीं कर रहे हैं, बाकी देखते हैं क्या होता है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, और अगर आप मेरे से जुड़ना चाहते हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद।